अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज सर शाहरुख एंड दिस इज योर फिजिक्स क्लास वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्स ऑफ रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8 अबाउट चैप्टर नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड योर चैप्टर नंबर 3 व्हिच वाज अबाउट न्यूटन थ्री लॉज ऑफ़ न्यूटन जिसमें न्यूटन ने यह बताया था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो वो क्या करता है यानी पहले लॉ में आपने बताया था कि फोर्स नहीं लगती तो क्या होता है जब सेकंड लॉ में ये बताया था कि लगती है तो क्या होता है ठीक है नेट फोर्स लगे तो क्या होता है और थर्ड लॉ में लॉमिशन ये बताया था कि जब भी फोर्स लगती है एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उसके ऊपर रिएक्शन भी होता है फिर इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बेटर अपोजिट इन डायरेक्शन एनी ये तो अपने न्यूटन के थ्री लॉज पढ़े फिर अपने फ्रिक्शन की बातें की फिर अपने सेंट्रिकल फोर्स यानी जो ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर बाद में मूव करवा के रखे उसके बारे में स्टडी की अच्छा अब आपने अभी तक फोर्स का लीनियर इफेक्ट देख लिया कि जब सीधी लाइन में मोशन करवाना ऑब्जेक्ट का कर ट्रांसलेटरी मोशन होना आपने ऑब्जेक्ट की टर्निंग की बात नहीं की अभी वैसे तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो में आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज की बात कर ली है लेकिन टर्निंग इज़ बेसिकली समथिंग एल्स कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रहे उसकी डायरेक्शन चेंज करना और चीज़ है ये जो आप स्ट्रेट मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट वी कोई फोर्स लग रही थी सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में एफ सी और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही थी ये एफ सी ये आपने देख लिया फोर्स जो टर्निंग एफ जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करी है लेकिन और मुसलसल चेंज करती रहेगी लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को रुके हुए ऑब्जेक्ट को ही घुमा देने वाली फोर्स ऐसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट के अबाउट किसी एक पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट को ऐसे टर्न कर देना घुमा देना इस इस तरह के अफेक्ट की बात करेंगे इस चैप्टर में हम तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी लाइक like और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लाइक और अनलाइक लेकिन उससे भी पहले आपको ये पढ़नी पड़ेगी कि वाटर आर फोर्सेस तो पैरेलल स्टूडेंट्स वो दो चीज़ें होती हैं कोई भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तब जब क्या हो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहे थ्रू आउट देयर लेंथ्स या यूं तो कहें दो लाइंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जब मसल सेम रहेगा यानी पैरेलल लाइंस नेवर मीट मीट ईच अदर ठीक है कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है वो उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है कम या ज़्यादा नहीं होता है उसे आप कहते हैं पैरेलल लाइंस हैं तो इसी तरह अगर लाइंस की जगह फोर्सेस होंगी आप दो फोर्सेस ले लें फोर्स की क्या होती है एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन तो एक फोर्स ये ले लें ले, दूसरी फोर्स आप ये ले लें मैगनीट्यूड बेशक कम या ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है मैग्नीट्यूड का पैरेलल होने से कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है दो फोर्सेस हैं जिनके दरम्यान डिस्टेंस सेम है बस थ्रू आउट देयर लेंथ तो ये क्या है पैरेलल पैरेलल फोर्सेस हैं वो एक ज़्यादा एक कम है वो अलग बात है अच्छा लेकिन यानी ऐसी फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड बेसिक डिफरेंस हो और डिफरेंट हो लेकिन उनके दरम्यान डिस्टेंस सेम रहे और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो उसे आप कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास दो फोर्सेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है ठीक है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है अगर तो वो कौन सी होती हैं वो होती हैं आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी, ठीक है यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के मतलब थी, हैं तो पैरेलल उनके दरमिया डिस्टेंस सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है ठीक है तो डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की

तो एग्जांपल देना मस्ट है ठीक है एग्जाम्पल के बिना आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो अधूरा होता है तो यहाँ पे आपको साइड पे एक बैग नज़र आ रहा है उसमें आप देखें बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं अब एप्पल जो है वो जब आप रैंडम ऐसे देखेंगे तो उसका वेट तो डाउनवर्ड एड कर रहा होगा हमेशा वेट एक डब्ल्यू ठीक है तो ये एक एप्पल का वेट है ना इसी तरह बहुत सारे अगर एप्पल्स हों तो उन सबका वेट ऐसे डाउनवर्ड 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 एक्ट करेगा और उनके डिस्टेंस भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ डाउनवर्ड टुवर्ड्स तो द सेंटर ऑफ द अर्थ एर्थ। तो सारी की सारी फोर्सेस यानी वो जो वेट्स हैं वेट, है, वेट इज द फोर्स क्योंकि वो भी न्यूटन होता है ना वेट भी तो सारी की सारी जो फोर्सेज हैं वो क्या है आपस में लाइक पैरेलल फ़ोर्सेज हैं ठीक है अच्छा अब अनलाइक पैरेलल फ़ोर्सेज की एग्जाम्पल में है यहाँ पे आप देखें कि एप्पल टंगा हुआ है किसी भी रस्सी से बंधा हुआ है एप्पल का भी डाउनलोड ऐड कर रहा है अब चूंकि वो स्ट्रिंग से बंधा है तो एक्शन किस पे हो रहा है स्ट्रिंग पे एप्पल एक्शन कहाँ पे कर रहा है स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग भी रिएक्शन तो करेगी बट इक्वल रिएक्शन होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा तो इसलिए अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी अब आप ये देखें ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के ऊपर हैं यानी इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा इनके दरमियान डिस्टेंस बेशक ज़ीरो है मतलब एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है तो डिस्टेंस तो ना हुआ ना दोनों के दरमियान बट है तो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ना बेशक जीरो ही है बट थ्रू आउट दियर लेंस डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई दो फोर्सेज देखें जब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात है तो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना अपवर्ड डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक हुई डिस्टेंस दोनों के दरमियान कभी भी चेंज नहीं हो रहा तो पैरेलल हुई तो ये दो फोर्सेस पैरेलल भी हैं और अनलाइक भी हैं तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल होगी बट कौन सी फोर्सेस होंगी जो पैरेलल ही नहीं होंगी वो वो फोर्सेस होंगी जो आपस में कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे मीट करें या जिनके दरमियान आप देखें डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा ये देखें यहां डिस्टेंस ज्यादा है यहां डिस्टेंस कम है यहां जाके और कम हो गया और यहाँ जाके तो मीट ही कर जाएगी ठीक है तो ये पैरेलल ही नहीं है इनके जिक्र ही नहीं कर रहे हम हम पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो ये भी लाइक like पैरेलल थी क्योंकि सारों की डायरेक्शन सेम थी और डिस्टेंस सेम था दोनों सबके दरमियान और ये अनलाइक पैराल हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट दोनों के दौरान डिस्टेंस जीरो ही है ठीक है अच्छा अभी हम बात करेंगे ये तो होगी एग्जांपल्स कोई और एग्जांपल्स आपके माइंड में आए तो वो आप ज़रूर नोट करें अपने पास और मुझसे कंफर्म कर लें कि ये सही है या गलत ठीक है तो एग्जांपल्स आपने नोट करनी है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एटलीस्ट दो दो एग्जांपल्स तो अपने पास अपने पास से आप लोग लिखें अपने पास ठीक है अच्छा अब हम बात ये कर रहे हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स जो हमने लगानी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसका टर्निंग इफेक्ट टर्निंग होती है ऑब्जेक्ट के ना अंदर घुमाई प्रोड्यूस करना घुमाई मतलब रोटेट कर दे उसको आप ठीक है यानी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरह देखो आप उसके ऊपर ना फोर्सेस लगाते हैं डिफरेंट ठीक है अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है ये देखो ऑब्जेक्ट हुआ है इसके ऊपर मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स तो मैंने लगा दी लेकिन मैंने ये फोर्स जिस लाइन के अलोंग लगाई है जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगाई है वो लाइन क्या है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स है इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फोर्स इस डायरेक्शन में यहां लगाता हूं तो अब स्टूडेंट्स इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये ठीक है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स इज एक्टिंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक हो गया अब हम आते हैं स्टूडेंट्स टर्निंग पे तो टर्निंग किस किस तरह से हो सकती है देखें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इसके हमारा मेन फोकस तो खैर हर तरह की फोर्स पे होगा सिंगल पे भी होगा दो फोर्सेस पे भी होगा मैं क्या करता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगाऊंगा देखें मैं सिंगल फोर्स की बात नहीं कर रहा सिंगल फोर्स लगने से तो टर्न प्रोड्यूस हो ही जाता है यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूँ यहाँ पर फोर्स लगाऊँ ठीक है इसने ऐसे घूमना शुरू कर देना इस डायरेक्शन में टर्न हो जाना यानी ऐसे कुछ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा ये ऐसे ठीक है लेकिन मैं सिंगल फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं बात करूँ फोर्सेज की कौन सी लाइक और अनलाइक ठीक है और लाइन ऑफ एक्शन आपने माइंड में रखना ही रखना है तो एक फोर्स चले आपने यहीं पर लगा दी है यही जो लगी हुई है एक और फोर्स आप लगाते हैं चलो इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलाग यहीं पे इधर ही यानी ये लाइन ऑफ एक्शन था दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है लाइक पैरेलल हैं और पैरेलल भी हैं दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा दोनों के दरमियान डिस्टेंस जीरो है तो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो टर्न प्रोड्यूस होगा यस होगा ठीक है ये एक केस हो गया यानी दो लाइक पैरेलल फ़ोसेज हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन अच्छा इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन अगर यहाँ पर थोड़ा सा दूर हो ऑब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से देखें लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है हाफ ऑफ द लेंथ के एक ही साइड पे तो मैं दूसरी फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तब भी टर्न प्रोड्यूस होगा लेकिन थोड़ा कम ठीक है अच्छा इसके अलावा अगर हम क्या करें हम फोर्स लगाएं हाफ ऑफ द डिस्टेंस के बाद यहाँ ये यह फोर्स लगी अब बेशक लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ठीक है दोनों के जमाना तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा बट हैं क्या लाइन ऑफ एक्शन दोनों के डिफरेंट हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लग रही हैं और थोड़ा सा ज़्यादा दूर लग रही हैं तो अब ऑब्जेक्ट में टर्न प्रोड्यूस होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा ठीक है और अगर मैं ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ही दोनों अपोजिट एंड्स पे लगाऊं फोर्सेस यानी एक फ़ोर्स यहाँ पे लग रही हो एक फोर्स बिल्कुल इस एंड पे लग रही हो तब तो टर्न प्रोड्यूस हो गई नहीं तब तो ऑब्जेक्ट सीधा आगे ट्रांसलेट कर जाएगा लेकिन टर्न प्रोड्यूस होगा ही नहीं ठीक है तो ये कुछ केसेस थे लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में कि अगर सेम साइड हाफ ऑफ़ द ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे भी फोर्सेस लगेंगी तब भी टर्न प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन हाफ ऑफ़ द ऑब्जेक्ट के इस साइड और अपोजिट साइड पे फोर्सेस लगेंगी तो टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन शुरू हो जाएगा ये लाइक पैरल फ़ोर्सेज का केस है ठीक है अभी हम बात करेंगे अनलाइक पैरल फोर्सेज का यानी जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैं दोबारा से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ अब इसके ऊपर मैं क्या करूँ एक लाइन ऑफ एक्शन ये रखा इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक फोर्स लगाते हैं ये यह है अपवर्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक और लाइन ऑफ एक्शन लिया इधर दूसरे एंड पे उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें स्टूडेंट्स हैं तो ये पैरेलल फोर्सेस क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस देखें सेम रह रहा है कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रह रहा है दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस के दरमियान यानी उन्हीं दोनों फोर्सेज के दरमियान है डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मद एक अपवर्ड है एक की डाउनवर्ड है तो हुई ना अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अब इस केस में आपके पास जो है वो टर्न प्रोड्यूस होगा ठीक है देखें जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट था एक डाउनवर्ड लग रही थी एक अपवर्ड लग रही थी तो आपके पास टर्न प्रोड्यूस होगा कुछ इस डायरेक्शन में ठीक है अब क्या हो अब अगेन वही काम करते हैं हम कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस के सेम साइड पे लगाते हैं अगेन मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या करते हैं हम अगेन इतना डिस्टेंस रखते हैं जो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट के से ज़्यादा दूर ना हो यानी करीब ही हो मतलब टर्न प्रोड्यूस हो रहा था टर्न uh, प्रोड्यूस हो रहा है जब आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो दूर है यानी एक एंड हाफ ऑफ़ द डिस्टेंस के बाद है अब मैं सेम साइड पे सेम साइड के मतलब मैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस से पहले ही दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्स लगाता हूँ अभी भी टर्न थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा बट आप यू कहें ऑलमोस्ट प्रोड्यूस नहीं ही होगा और अगर मैं बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ले आऊँ फोर्स यानी दूसरी फोर्स मैं सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही लगाऊँ तब तो बिल्कुल ही टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देगी ठीक है यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस के छोटा जरा कंक्लूजन देखें लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में जब आपकी दोनों फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लगती हुई दोनों फोर्सेस हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे लग रही होंगी लाइक like के पैरेलल के केस में तो टर्न प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अगर लाइक पैरेलल फ़ोर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस के अपोजिट साइड पर चली जाए और ये दोनों फोर्सेज अब क्या कर रही हैं टर्न प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं लेकिन अनलाइक पैरल के केस में उल्टा है जब हाफ ऑफ़ द डिस्टेंस के सेम साइड पे आएगी तो टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा अनलाइक पैरल फोर्स हाफ ऑफ़ द डिस्टेंस के अपोजिट साइड पे होगी तो टर्न प्रोड्यूस होगा अनलाइक पैरल फोर्स के केस में और पैरल फोर्सेस के, के केस में जब आपकी फोर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस के सेम साइड पे होगी तो टर्न प्रोड्यूस होगा अगर हाफ ऑफ़ द डिस्टेंस के अपोजिट साइड पे चली गई तब टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा ये वाला टर्न इधर से प्रोड्यूस होने वाला टर्न इधर से प्रोड्यूस होने वाला टर्न को कैंसिल कर देगा ठीक है कुछ केसेस अगर आपको समझ आए हैं तो आप अपने पास इनको लिखें नोट करें और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछें इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करनी है आप लोगों ने वैसे तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखें कि अनलाइक पैरल फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन यानी अगर हम अनलाइक पैरल फ़ोर्सेज की बात करें एक फोर्स डाउनवर्ड एक फोर्स अपवर्ड लग रही है एक का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है दूसरी का लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा दूर है यानी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो आप ये याद रखें अनलाइक पैरल फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कैन प्रोड्यूस टर्न इन द बॉडी ठीक है टर्निंग इफेक्ट कैसे हो रहा है दो अनलाइक पैरल फोर्सेज लग रही हैं एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस ठीक है तो वो टर्न प्रोड्यूस करेंगे और अगर मैं बात करूँ लाइक पैरल फोर्सेज की तो लाइक पैरल फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइक पैरल फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन ऑफ एक्शन पे ब्लू फोर्स लग रही है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आप देखें रेड फोर्स भी लग रही है ये ब्लैक वाला लाइन ऑफ एक्शन है अगर तो उसी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों फोर्सेस लगेंगी लाइक like पैरल तब टर्न प्रोड्यूस होगा ठीक हो गया कंक्लूजन समझ आ गई कि जब आपके पास दोनों लाइक पैरल फोर्सेस हैं तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए तब टर्न प्रोड्यूस होगा अगर अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन हो गया दूर हो गया लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया फिर टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा ठीक है तो लाइक like पैरल के केस में सेम लाइन ऑफ एक्शन पर टर्न प्रोड्यूस हो रहा है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस पे टर्न प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है ये आपकी कंक्लूजन थी ये याद रखें इनको नोट कर लें अपने पास इनकी एग्जाम्पल्स लिखें लाइक like और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की दो दो एग्जाम्पल्स बुक के अलावा दो दो एग्जाम्पल्स और लिखें और कुछ ना समझ आए तो नोट करें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़